नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का आज उत्तराखंड दौरा है और ऐसे में देवभूमि को कई बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री मोदी देंगे। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास पीएम द्वारा किया जाएगा। देहरादून में पीएम की संकल्प रैली भी आज होगी। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी शंखनाद भरेगी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी रैली होने जा रही है और माना जा रहा है कि इस रैली में 1.25 लाख से ज़्यादा लोग शामिल होंगे। वहीं इस रैली को उत्तराखंड में बीजेपी का चुनावी शंखनाद माना जा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी की विजय संकल्प रैली के लिए परेड ग्राउंड में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। पीएम मोदी रैली से पहले 15,728 करोड़ रुपए की 11 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और 2,573 करोड़ रुपये की लागत से तैयार 7 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। फिलहाल पीएम मोदी की इस रैली को आगामी विधानसभा चुनाव की दृष्टि से काफ़ी अहम माना जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं क्योंकि चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है और ऐसे में देहरादून में बीजेपी का ये शंखनाद आज माना जा रहा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे और करोड़ों की सौगात जो है प्रधानमंत्री मोदी देवभूमि को आज देने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहाँ पर करीब 15,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजना का शिलान्यास पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा। वहीं 2,573 करोड़ से ज़्यादा परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। तो केशव प्रसाद मौर्य का अंबेडकर नगर दौरा आज है और 1 अरब की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण उनके द्वारा किया जाएगा। जन कल्याणकारी योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी देंगे। पदाधिकारियों के साथ डिप्टी सीएम संवाद भी करेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं जहाँ पर कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को आज डिप्टी सीएम द्वारा पत्र बांटे जाएंगे। पदाधिकारियों के साथ डिप्टी सीएम संवाद भी करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं जहाँ पर योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी दिया जाएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम जानकारी, जहाँ केशव प्रसाद मौर्य का अम्बेडकर नगर दौरा आज है और 1 अरब की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। तो देर रात सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे थे और आपको बता दें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी को गोरखनाथ मंदिर का भ्रमण भी करवाया। अनुराग ठाकुर पहले से ही गोरखनाथ मंदिर में मौजूद थे और देर रात सीएम योगी आदित्यनाथ ने अनुराग ठाकुर को मंदिर का भ्रमण खुद करवाया। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जहाँ पर अनुराग ठाकुर को मंदिर का दर्शन कराते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ और देर रात सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे थे और इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को उन्होंने गोरखनाथ मंदिर के एक एक कोने के दर्शन भी कराए। और तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, आपको बता दें पहले से ही अनुराग ठाकुर गोरखनाथ मंदिर में मौजूद थे और देर रात सीएम योगी आदित्यनाथ अपने काम समाप्त कर मंदिर पहुंचे थे और केंद्रीय मंत्री को मंदिर का भ्रमण भी करवाया। वैसे विजय, बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें मैनपुरी से। बड़ी जानकारी, सैनिक स्कूल के 5 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कुल 90 बच्चों का कोरोना टेस्ट किया गया था जिनमें से 5 बच्चे पॉजिटिव पाए गए। संक्रमित पाए जाने के बाद स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया। स्कूल के बाकी स्टाफ व बच्चों की भी अब टेस्ट कराई जाएगी। मैनपुरी के आगरा रोड स्थित सैनिक स्कूल का ये पूरा मामला है जहाँ पर 5 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए और पॉजिटिव मिलने पर पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर मैनपुरी से। सैनिक स्कूल के 5 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और कुल 90 बच्चों का कोरोना टेस्ट किया गया था जिनमें से 5 बच्चे पॉजिटिव पाए गए। संक्रमित पाए जाने के बाद स्कूल और प्रशासन में हड़कंप मच गया है और स्कूल के बाकी स्टाफ व बच्चों की भी अब टेस्ट कराई जाएगी। तो बड़ी जानकारी, मैनपुरी के आगरा रोड स्थित सैनिक स्कूल में बच्चे पॉजिटिव पाए जाने पर हड़कंप मच गया है। अब फिलहाल तमाम बाकी जो स्टाफ और बच्चे हैं उन सभी का टेस्ट कराया जाएगा।
तो कानपुर के कल्याणपुर में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया है। पति ने पत्नी समेत दो बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार भी कर लिया है। सिरफिरे पति ने हत्या करने की जानकारी अपने भाई को भी दी। मौके पर पहुंचे भाई ने पुलिस को इस तमाम मामले की जानकारी दे दी। कानपुर कमिश्नर सहित डीसीपी क्राइम मौके पर पहुंचे और कल्याणपुर थाना क्षेत्र के डिविनिटी अपार्टमेंट का ये पूरा मामला है। तो ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई, यहाँ पर पति ने पत्नी दोनों बच्चों को मौत के घाट उतारा और सिरफिरे पति ने अपने भाई को इस पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद भाई ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंचकर आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। तो कानपुर के कल्याणपुर में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया, जहां पर पति ने पत्नी समेत दो बच्चों की हत्या कर दी। सिरफिरे पति ने हत्या करने की जानकारी अपने भाई को दी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आगरा से अगली खबर, जहाँ पर लखनऊ एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार डीसीएम ने पीछे से कार में टक्कर मार दी। कार सवार तीन लोगों के मौके पर ही मौत हो गई। एक घायल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बड़ी जानकारी बता रहे हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के छठिया थाना क्षेत्र का पूरा मामला। तो कार सवार तीन लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हुई और एक घायल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, यहाँ पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के छठिया थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जबकि बड़ी जानकारी यहाँ पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक सड़क हादसा और तेज रफ्तार डीसीएम ने पीछे से कार में टक्कर मारी। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार डीसीएम ने पीछे से कार में टक्कर मारी है और कार सवार तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी इस वक्त की, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा और इस पूरे हादसे में तीन लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तेज रफ्तार डीसीएम ने पीछे से कार में टक्कर मारी थी, इसमें तीन लोगों की मौत हो गई। वहीं अन्य एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और घायल को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर उसका इलाज जारी है। तो बरेली मंडल में अब हवाई यात्रा की सुविधा होने के साथ साथ सड़क माने से भी यातायात को और सुगम बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बरेली से कनेक्टिविटी के लिहाज से जहां एक ओर बदायूं और शाहजहांपुर से गंगा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, वहीं बरेली मंडल के मंडलायुक्त आर रमेश कुमार से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की, देखिए रिपोर्ट। मेरे साथ मौजूद है बरेली के मंडलायुक्त आर रमेश कुमार जी, उनसे जानते हैं कि बरेली को कनेक्टिविटी से बेहतर करने के लिए और क्या प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बरेली में एक बड़ी उपलब्धि हुई है। बरेली जो है अब हवाई उड़ान से जुड़ चुका है, दिल्ली मुंबई और बेंगलोर के लिए लगातार फ्लाइट निकल रही है यहाँ से, और अब जल्द ही लखनऊ के लिए भी उड़ान शुरू होने वाली है। और ग्राउंड लेवल पर सड़क मार्ग पर क्या नई संभावनाएँ हैं, उसके लिए बात करते हैं सर से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में। जानना चाहेंगे कि बरेली मंडल के विकास के लिए और क्या नई योजनाएँ शुरू की जा रही हैं। अभी एक कार्य योजना है, डीपीआर बनाया जा रहा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के माध्यम से, जो अपने शहर का कनेक्टिविटी है अब कुछ बॉटलनेक्स है, बदायूं और आगरा का कनेक्ट करने के लिए कुछ बॉटलनेक्स है, ग्राम गंगा विहार का नदी के ऊपर, और जो झुमका चौराहा है जो दिल्ली से लेकर के लखनऊ का एक लूप तो बन गया है इनवर्टिस तक, करीब 22-23 किलोमीटर का है, और दो लोग जो इस तरफ है दूसरी लूप की तरफ से झुमका चौराहा से लेकर के बदायूं बरेली का ये रोड है, उससे होते हुए वहाँ पर एक फ्लाईओवर बन करके फिर उधर सदर्न साइड में ये ITPO होते हुए वहाँ पर इन्वर्टिस तक एक 22-23 किलोमीटर का एक लूप बन जाएगा, तो कि शहर का है बरेली का पार्ट है ये दोनों तरफ से यहाँ पे हमारा एक लूप रोड, रिंग रोड बन जाएगा, ताकि हमारा ये ट्रैफिक है ये सिटी में डिकंजेशन हो जाएगा, क्योंकि अभी सिटी में जल्दी से जल्दी 25 दिसंबर तक सिटी बस डेवलपमेंट होने वाला है, प्रदूषण कम हो जाएगा। और ऑलरेडी जैसा आपका मालूम है ये बरेली सिटी से करीब 2 महीने पहले हमारा उड़ान सीधा
हवाई जहाज हैं, पूरा इंडिया में कनेक्ट हो गया है। दिल्ली और मुंबई और बेंगलोर, ये तीन सिटी से कनेक्ट हो गया है और वहाँ से आते अन्य सिटीज़ को भी कनेक्ट हो गया है। और दूसरी एक बात है, हमारा जो बरेली सिटी से जो हवाई जहाज हो रही है, विदेश का डेस्टिनेशन को भी यहीं पे ये चेक इन हो जाता है सीधा वहाँ पे। कहीं दुबई है, कहीं विदेश में कहीं भी जाना है, उसका व्यवस्था किए गए। इसलिए जो आस पड़ोस का जो लोग है, जैसा मुरादाबाद है, सितारगंज है, वहाँ का लोग भी यहाँ पे आकर के ये उड़ान का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा कनेक्टिविटी के संबंध में, बरेली से लेकर के अभी 4 लेन का व्यवस्था है, हम लोग DPR बन चुका है, अभी NHAI के माध्यम से भारत सरकार का उसको उपलब्ध करा दी गई। अब लैंड एक्विजिशन का कार्रवाई है, जो भूमि अध्यापति का कार्रवाई हो रही है बरेली जनपद में और पीलीभीत जनपद में, वो ऑलरेडी चालू है। कुछ जगह पे ब्राउन फील्ड रोड्स रहेगी, कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट सिटीज़ है, जैसे शहर है, जैसे रिटोरा है, नवाबगंज है, पीलीभीत शहर है, वहाँ पे ये ग्रीन फील्ड वहाँ पे 4 लेन बनाया जा रहा है, अभी नपत हो रही है। ये जल्दी से जल्दी इस तरीके से कनेक्टिविटी हो जाएगा, ताकि सितारगंज से लेकर के वो बरेली होते, पीलीभीत बरेली होते हुए ये बाईपास होते हुए आदमी है, जल्दी से जल्दी वहाँ आगरा तक पहुँचने की व्यवस्था हो गया है। ये कनेक्टिविटी की व्यवस्था है। ऑलरेडी मैंने कह चुका हूँ, जो हमारा गंगा एक्सप्रेस हाईवे है मेरठ से लेकर के अब प्रयागराज तक हो रही है, हमारा 2 शहर है बदायूं, 2 जनपद हैं बदायूं और शाहजहांपुर होते हुए जाएगा, ये कनेक्टिविटी बहुत अच्छे तरीके से अभी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के लिए एक उत्तम प्रदेश बन करके सभी जनता है, अपने आवागमन, इससे कारोबारी और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हमारा लक्ष्य दी जाती है हर मंडल का, हर जनपद का, इसमें पूरा अच्छी इंडेक्स रहेगी और इसमें आम जनता के लिए बहुत अच्छा सुविधा रहेगी। ये थे कमिश्नर आर रमेश कुमार जी, इनका कहना है कि न केवल गंगा एक्सप्रेस वे बल्कि तमाम ऐसे कार्य किए जा रहे हैं, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो अब धरातल पर आने वाली हैं, और निश्चित रूप से जो बरेली शहर है वो आगे आने वाले समय में एक बदले स्वरूप में दिखाई देगा, और कनेक्टिविटी के लिहाज से न केवल हवाई मार्ग से बल्कि सड़क मार्ग से भी जो बरेली के निवासी हैं उनको आवागमन में बड़ी सुविधा मिलने वाली है। बरेली से कैमरामैन अंकित पाठक के साथ आशीष गुप्ता, इंडिया न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं बरेली के मंडलायुक्त आर रमेश कुमार जी, उनसे जानते हैं कि बरेली को कनेक्टिविटी से बेहतर करने के लिए और क्या प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बरेली में एक बड़ी उपलब्धि हुई है, बरेली जो है अब हवाई उड़ान से जुड़ चुका है, दिल्ली मुंबई और बेंगलोर के लिए लगातार फ्लाइट निकल रही है यहाँ से, और अब जल्द ही लखनऊ के लिए भी उड़ान शुरू होने वाली है, और ग्राउंड लेवल पर सड़क मार्ग पर क्या नई संभावनाएं हैं उसके लिए बात करते हैं सर से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। जानना चाहेंगे कि बरेली मंडल के विकास के लिए और क्या नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं। अभी एक कार्य योजना है, DPR बनाया जा रहा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के माध्यम से, जो अपने शहर का कनेक्टिविटी है, अब कुछ बॉटल नेक्स है बदायूं और आगरा का। तो जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री के बलरामपुर दौरे की तैयारियों में बहराइच के अधिकारियों से बैठक करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए उन्हें लफाज बताया था। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाए थे कि बीजेपी सरकार फेंकू ही नहीं बेचू सरकार भी है। महेंद्र सिंह ने कहा, बीजेपी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। जिन्होंने आज तक कुछ नहीं किया वो केवल लफाजी करते हैं और उनकी लफाजी को जनता अच्छी तरह समझती है। भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, और भारतीय जनता पार्टी का चिंतन है विकास, तेज गति से विकास और चतुर्दिक विकास, और उसी पर काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है। जिन्होंने आज तक कुछ नहीं किया है वो केवल लफाजी करते हैं और उनकी लफाजी को जनता अच्छी तरीके से समझती है। इसके साथ इस बुलेटिन में मैं देते हैं, देखते रहिए इंटरनेट।